बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बग़ैर वज़ू के तस्बीह का छूना या पढ़ना कैसा है? इसी तरह नापाकी की हालत में अगर कोई हो, जैसे हैज़, निफास या माहवारी यानी जैसे पीरियड्स कहते हैं, या बच्चा पैदा होने के बाद की नापाकी हो, या सोहबत के बाद जिनाबत की नापाकी हो, या इहतिलाम के बाद की नापाकी हो, या किसी भी तरह की नापाकी हो, उस हालत का भी क्या मसला होगा? सबसे पहले तो मैं आपको बिल्कुल साफ और वाज़ह तौर पर बता दूँ, नापाकी की हालत का जो भी मसला है और बग़ैर वज़ू के छूने का भी वही मसला है, दोनों बराबर है, कोई फ़र्क नहीं है। अब मसला ज़रा समझ लीजिए, ऐसी हालत में तस्बीह का छूना बिला कराहत जायज़ है, कोई हरज नहीं, कोई कबाहत नहीं। हदीस में आता है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब नापाकी की हालत में होती थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छूया करती थी, और कंघी करना अल्लाह के रसूल के बाल पे, उसके अलावा कई रिवायतें ऐसी मौजूद हैं। जब नबी को छूना जायज़ हो गया है नापाकी की हालत में, तो तस्बीह का दर्जा क्या नबी से बढ़ के है? ये जो छूने की बात है ना, ये सिर्फ कुरान की बात है। कुरान ने कहा है कि कुरान को आप छू नहीं सकते बग़ैर वज़ू के, कुरान को आप नापाकी की हालत में छू नहीं सकते। पढ़ने की बात एक अलग है, वहाँ तफसील अभी जाऊँगा नहीं, जो मसला है वो बता रहा हूँ। तो कुरान का मसला, कुरान के अलावा चाहे वो हदीस की किताब हो, चाहे वो तस्बीह हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, आप उसको छू सकते हैं बिला कराहत, कोई हरज नहीं, चाहे वो बग़ैर वज़ू के हो चाहे नापाकी की हालत में हो। मर्द के लिए भी यही मसला, औरत के लिए भी यही मसला। पढ़ना चाहे तस्बीह, वो कोई भी तस्बीह हो, जैसे सुबहानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, या कोई और दूसरे तस्बीहात हैं, पढ़ना भी जायज़ है, कोई हरज नहीं, कोई कबाहत नहीं, हाँ बल्कि सवाब मिलेगा पढ़ने से। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, अमल की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें, और हमारा काम पसंद आए तो गूगल पे, फ़ोनपे या बैंक अकाउंट के जरिया मदद कर सकते हैं।